दोस्तों नमस्कार दोस्तों दोस्तों फाइन आर्ट में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत बढ़िया मिक्सर दोस्तों जो कि आपके अगर कुछ लोग साउंड की लाइन में बिगनिंग या स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा आज की वीडियो। और दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो में। दोस्तों ये आपके सामने देख सकते हैं, यह हमारा पीस है और इसका मॉडल नंबर है SM1603 और ई है दोस्तों। और दोस्तों ये इसका बार कोड है जो कि ये ओरिजिनल है दोस्तों, और ये एक बढ़िया कंपनी है जो कि स्टेंजर कंपनी है। दोस्तों आपके सामने ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया पैकिंग है, ये इसका कार्टून है और अच्छी पैकिंग होने के साथ आपका मटेरियल डैमेज नहीं होगा दोस्तों। ये पीस है दोस्तों, ये आपके सामने पीस है दोस्तों, और इसमें एक निकलता है आपका वारंटी कार्ड है दोस्तों, और इसका कैटलॉग भी होगी छोटी सी जिसमें आप अंदर देख सकते हैं इसके फंक्शन के बारे में। और ये ओरिजिनल है दोस्तों, और इसमें भी आपका ये होलोग्राम और ये सीरियल नंबर दिया गया है, जिस बार कोड जिसको बोल सकते हैं, और इससे आप ओरिजिनल की पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक एडाप्टर मिलेगा जो कि इसको बाहर से लगाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी दोनों हैं दोस्तों। इसके फायदे ये हैं कि ये आपका मिक्सर ऑसिलेट नहीं करेगा, गर्म नहीं होगा इसका सर्किट, और जैसे हमिंग आती है कई बार तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी बाहर लगाने के साथ। लेकिन दोस्तों एक और इससे ये भी है कि जैसे 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 पुराना हो जाता है दोस्तों, जैसे ये कनेक्टर है तो यहाँ से तार निकल सकता है। और ये दोस्तों दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं, इसमें आपको हम काउंट करके बताते हैं कि 16 के 16 आप बाकायदा यूज कर सकते हैं, और ये बढ़िया है। और रिस्पांस इसमें स्टीरियो है ये दोस्तों, और इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 माइक है, और दोस्तों 16 इनपुट है, लाइन भी है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं आपका एक ये दो मेन आउट है और ये एक मोनो आउट है, स्टीरियो भी है और मोनो है दोस्तों। और एक दोस्तों इसमें फ़ायदा है कि इसमें डिजिटल इको इनबिल्ट है, और आप अलग से भी इसमें इको लगा सकते हैं। और दोस्तों मॉनिटर के लिए स्पेशल एक दिया गया है, इसका वॉल्यूम भी है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इधर ये मोनो का स्लाइड है और ये आपका राइट और इधर लेफ्ट है। और दोस्तों इसमें ये है कि आप ऊपर से फर्स्ट फंक्शन में हम दिखा सकते हैं कि सबसे पहले XLR है माइक का, उसके बाद लाइन का है, उसके बाद दोस्तों ये ऑरेंज कलर की जो नोब है ये आपका गेन का वॉल्यूम है, उसके बाद ये आपका लो का है यानी बेस है, उसके बाद ये मिड में है, मिड फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी है, और उसी के साथ साथ ये मॉनिटर का है, आप जिसमें चाहो मॉनिटर दो, जिसको चाहो ना दो। और दोस्तों उसी के बाद एक ऑक्सिलरी है, इसमें आप इसका इको एक चल सकता है, एक अदर इको आप इसमें जोड़ सकते हैं। और नीचे ये आपका फैन पॉट है, ये बैलेंस है। और दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको म्यूट का एक स्विच दिया गया है जिससे आप जिसका चाहे चैनल नहीं आप काम कर रहे तो वो आप ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों ये 60 mm की बढ़िया स्मूथ स्लाइड है, आप देख सकते हैं। और आप इसका बैक पैनल दिखाते हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं फर्स्ट पे आपका ये मेन स्विच है, उसके बाद ये दोस्तों अर्थिंग का है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कभी आपका कहीं से लीकेज है तो आप इससे ग्राउंड कर सकते हैं, आपका जैसे सिस्टम बिसिल आ रही है तो इससे ग्राउंड होने पे आपका सही हो जाएगा। और ये दोस्तों सप्लाई का कनेक्टर है, और इधर भी ये आपका ये सीरियल नंबर है जिससे आपको ओरिजिनल पहचान हो जाए। और दोस्तों नीचे देख सकते हैं बैक में ये बढ़िया गुरमुट लगाया है कंपनी ने, और इसमें इधर देख सकते हैं ये फाइबर का लगाया है और जिसमें स्टेंजर का लोगो अंकित है, और देख सकते हैं बढ़िया स्मूथ है और आगे से भी लुक वाइज बढ़िया है। और ये स्टील बॉडी है और जिससे बढ़िया रख रखाव में जल्दी
खराब होने के चांस नहीं होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस हम आपको चेक कराते हैं कि एक चलने में कैसा है दोस्तों, आपको रिकॉर्डिंग भी चेक कराएंगे, माइक भी चेक कराएंगे। हमारा सेट बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये हमारा पावर का बोर्ड है, उसी के साथ हमने ये म्यूजिक टोन का 300 वाट का एम्पलीफायर लगाया है, और एक हमारा मैजिक बॉक्स कह सकते हैं या एक प्लेयर है जो कि मेमोरी से ऑपरेट होता है, और ये हमारा सेट ऑन है दोस्तों। हम आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग चेक कराएंगे दोस्तों, और दोस्तों इसमें फीचर बहुत हैं, आप इधर देख सकते हैं ये मॉनिटर आउट भी है, और दोस्तों इसका ये वॉल्यूम है रेड वायर, रेड वाला ये उसका है, और दोस्तों आपका उसी के नीचे सेंड रिटर्न का है, आप जैसे एक तो इसमें नॉर्मल इको है दोस्तों जिससे आप भागवत या वोकल हल्का कर सकते हैं, और अदर कोई बढ़िया इको लगाना चाहते हैं तो वो भी आपका इसमें आराम से लग जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, और दोस्तों उसी के नीचे ये एक आरसी सॉकेट है, इससे आपका रिकॉर्डिंग आउट कर सकते हैं, और दोस्तों उसी के नीचे ये नोब है और ये जैक है, ये हेडफोन के लिए है, और इसी से नोब से ही ये वॉल्यूम से कंट्रोल होगा। अब दोस्तों एक यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, एक स्विच लगा है, ये बीयू मीटर या आप ये इंडिकेटर आउटपुट है, इसमें दोस्तों अगर आप इसको पुश करेंगे तो मोनो हो जाएगा, और जब ऊपर छोड़ देंगे तो ये स्टीरियो चलने लगेगा, तो कुल मिला के, और दोस्तों उसी के साथ ये इधर ये इसका तीन वॉल्यूम लगे हैं जो कि आपका इको का डेप्थ है और फीडबैक है और इको डिले टाइम समझ इको है, और ये पावर का इंडिकेटर है, इसमें डिजिटल इको मिक्स है दोस्तों। तो कुल मिला के ये आपके प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम आपको बिल्कुल चेक कराते हैं देर न करके, ये आप देख सकते हैं हमारा ये हमने प्ले कर दिया, और उधर हमारा सेट है वॉल्यूम एम्पलीफायर का, और इधर हम आपको दिखा सकते हैं तो ये हमने बिल्कुल, ये हमारा मेन कॉर्ड है जो कि हमारा बोर्ड से अटैच है, और ये हमने आउटपुट के लिए हमने इसका 4 ओम का लिया है, और उधर आप देख सकते हैं एक हमारा 12 इंची का मॉनिटर है, आप क्लोज करके दिखाएं, जिसमें 400 वाट सर्टन का लगा है, लगभग हम इसी को टेस्टिंग के लिए लगाते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया है, सुपीरियर है, और आप इसमें देख सकते हैं हमारे 2 कलर की हमने वायर यूज किया है, एक हमने लाइन आउट में लगाया है और एक अगजलरी 1 में लगाया है, इससे हम आपको मॉनिटर आउट भी दिखाएंगे चेक करके कि कैसे कहाँ पड़ता है, और दोस्तों इसमें जब आप मॉनिटर यूज करेंगे तो इसमें इको नहीं आएगा, ये अच्छी बात है, तो आप सबसे पहले और हम दोस्तों इसको जब हम रिकॉर्डिंग बजाते हैं दोस्तों ध्यान रखना चाहिए जो हमारा गेन का वॉल्यूम है लगभग आप 0 रखिए, और इधर आप देख सकते हैं जो हमारा ये है ये हाफ पे हमने लगभग रखा है, बाकी जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं, और इधर देख सकते हैं हमने गेन का वॉल्यूम ऑफ किया है, और ये लो का है, ये देख सकते हैं लो को हाफ से 1 नंबर ज्यादा, और मिड है दोस्तों, मिड हमारे जिस माइक्रोफोन के लिए जितना हमको जरूरत है उस हिसाब से कर सकते हैं, तो हमने हाफ से आधा कम किया, और ट्रेबल है ये रिकॉर्डिंग है इसलिए हमको इसमें ट्रेबल चाहिए होता है, तो हम इसको हाफ से 2 नंबर ज़्यादा किया है जिससे क्लियर आए, और बाकी हमने इको बंद किए हैं, अभी हमको मॉनिटर ज़रूरत नहीं, ये हमारा ये वॉल्यूम चल रहा है, ये हमारा लेफ्ट चल रहा है दोस्तों, स्मूथ बहुत स्लाइड है, इधर हमको बैलेंस देख सकते हैं हमारा म्यूट का काम, ये पूरा म्यूट हो गया चैनल, ये खासियत है इस मिक्सर में, और दोस्तों जिस पैसे में इसका मटेरियल है ऐसा आपको नहीं मिलेगा, स्टेंजर एक अपने आप में एक ब्रांड है दोस्तों, जो कि आप इसको जो भी अगर ओरिजिनल यूज करता है तो इसका जवाब नहीं, अब ये देख सकते हैं हम
तरीके से दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग चेक कराया, अब आपको माइक्रोफोन की टेस्टिंग देते हैं, देखते हैं कैसे चलता है दोस्तों। ये हमारा सब ऑफ कर दिया है, लगभग बैलेंस किया है, इसमें इको भी है, तो हम आपको इको भी टेस्टिंग कराएंगे दोस्तों। हेलो हेलो चेक 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 चेक, हेलो 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 चेक। ये हमने बेस जो है दोस्तों हाफ किया है, मिड हमने, माइक्रोफोन हमको चलाना है थोड़ा क्लियर देना है तो हमने हाफ से दो नंबर बढ़ाया है। हल्का ट्रेवल जहाँ तक बिसिल ना आए वहाँ तक आप ट्रेवल एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारा इधर ये इको है दोस्तों, हमने इसको हाफ कर लिया है, हाफ से दो नंबर बढ़ा लिया है, इसको बैलेंस कर दिया है जिससे हमारा मोनो और स्टीरियो दोनों में आउटपुट जाए। गेन हमने हाफ से एक नंबर कमी किया, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा करेंगे हमारा अपोजिट ही है तो बीसी ला सकती है, इसलिए हमने एक लिमिट तक किया है। आप इधर इको का देख सकते हैं, ये आपका इको का है और इधर ये फीडबैक का है और ये डिले टाइम का है दोस्तों, तो आप जितना एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये आपको चेक कराया है, आपका मेन आउट था, आपको दूसरा भी हम चेक करा देते हैं। ये हमारा मोनो है, हमारा मोनो इंडिकेटर दिखा रहा है। अब दोस्तों हमने देख सकते हैं यहाँ तीनों स्लाइड हमने बंद कर दिया है, अब आपको इसी में हमारा चल रहा है ऑक्सिलरी वन पे है, ये आपका मॉनिटर है, तो आप देखते हैं। हेलो 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 चेक चेक, हेलो 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 हेलो। ये हमारा मॉनिटर का जैक है और हमने ये वॉल्यूम सेट किया है, आप देख सकते हैं। हेलो 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 ऑफ हो गया, हेलो 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 हेलो। इधर ये हमारा, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा हेलो, ये मेन स्लाइड भी ऑफ है और हमारा मॉनिटर ही काम कर रहा है, देख सकते हैं। हेलो 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 चेक चेक, हेलो हेलो हेलो। तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, बाकी अब आपको ही अदर चेक कराते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका 16 का 16 आपका जो चैनल है आप बाकायदा चेक कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम में यूज हो सकता है। और ये दोस्तों स्टार्टिंग कोई भी जैसे शख्स है जो अपना साउंड की लाइन में बिगिनिंग करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया पीस है, आप अपना इससे शुरुआत करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इसमें जो फंक्शन है लगभग बिल्कुल इजी है दोस्तों, तो दोस्तों हमने लगभग इसमें जितने फंक्शन थे जितना हमको आता था दोस्तों हमने बताया दोस्तों, बस
ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें दोस्तों। और कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा आपको पसंद है दोस्तों, तो हम कोरियर द्वारा आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बस हम लास्ट में आप लोगों से अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अगर चलाएंगे तो आपका सिस्टम भी बढ़िया होगा और दोस्तों आपके प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। और शुरुआत के लिए और जो स्टार्ट कर रहा होगा अगर नया अपना साउंड लाइन में, उसके लिए इस तरीके से आप ये मिक्सर लेके अपना प्रोग्राम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है दोस्तों, तो हम कोशिश करेंगे कोरियर द्वारा आपको पहुँचा सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें दोस्तों। बस लास्ट में हम अपनी वीडियो के यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।